क्रांतिकारी खुबा उत्पाद पेश करते हुए एक व्यापक समाधान जो शहतूत के पौधे की खेती और रेशम उत्पादन को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। जैविक और प्राकृतिक उत्पादों की सावधानी पूर्वक तैयार की गई हमारी रेंज के साथ एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार रहें। खुबा सॉयल कंडीशनर, खुबा सॉयल बूस्टर, खुबा ग्रोथ प्रोमोटर और नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल आपके शहतूत के पौधों की पूरी क्षमता को अनलॉक करने और उल्लेखनीय बॉम्बिक्स मोरी रेशम के कीड़ों के स्वास्थ्य, विकास और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इन अभूतपूर्व समाधानों को सावधानी से तैयार किया गया है। आइए प्रत्येक उत्पाद के असाधारण लाभों के बारे में गहराई से जानें। खुबा सॉइल कंडीशन, यह एक असाधारण खनिज आधारित उर्वरक है जो जैविक उत्कृष्टता को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। यह उन्नत उत्पाद विशेष रूप से आवश्यक मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्वों को सीधे जड़ों तक पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है, जो आपके पौधों के लिए इष्टतम पोषण प्रदान करता है। खुबा सॉइल कंडीशन पोषक तत्वों के व्यापक मिश्रण से समृद्ध है, जिसमें फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ह्यूमिक एसिड, कार्बनिक कार्बन, सिलिकॉन, बोरोन, मैंगनीज, लोहा, तांबा, अमीनो एसिड, फुल्विक एसिड, सल्फर और विभिन्न ट्रेस तत्व शामिल है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बैक्टीरिया भी शामिल है, जो पौधों की वृद्धि को और बढ़ाते हैं। खुबा सॉयल कंडीशन की उल्लेखनीय खनिज संरचना पोषक तत्वों से भरपूर वातावरण बनाती है, जो मजबूत जड़ों के विकास को बढ़ावा देती है, पोषक तत्वों के अवशोषण को अनुकूलित करती है और महत्वपूर्ण तत्वों की निरंतर रिहाई की सुविधा प्रदान करती है। खुबा सॉइल कंडीशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप अपने शहतूत के पौधों के लिए एक ठोस आधार स्थापित करते हैं, जिससे वे पोषक तत्वों को कुशलतापूर्वक अवशोषित कर पाते हैं और पहले की तरह फलते फूलते हैं। यह अत्याधुनिक उर्वरक अद्वितीय अवशोषण और उपयोग सुनिश्चित करता है, जिससे आपके पौधों को स्वस्थ वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक तत्व मिलते हैं। इसके अलावा खुबा सॉइल कंडीशन आपके पौधों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में एक निवारक भूमिका निभाता है, जिससे फ्लेचेरी, ग्रासेरी और कुपोषण जैसे विभिन्न रेशम कीट रोगों को दूर करने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त यह शहतूत के पेड़ों को प्रभावित करने वाले सामान्य मुद्दों से निपटने में सहायता करता है, जिसमें पाउडर फफूंदी, लीफ स्पॉट, एंथ्रेक्नोज, रूट रोट, व्हाइट फ्लाइज और एफिड्स शामिल है। पौधों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देकर खुबा सॉइल कंडीशन एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, जो आपके पौधों की समग्र भलाई सुनिश्चित करता है और रोग और संक्रमण के जोखिम को कम करता है। खुबा सॉइल कंडीशन की जैविक उत्कृष्टता का अनुभव करें और इसके परिवर्तनकारी प्रभावों को देखें, जो यह आपके पौधों और उनके आसपास लाता है। इस अत्याधुनिक उर्वरक को अपनाएं और अपने पौधों को वे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करें, जिनकी उन्हें जोरदार वृद्धि, रोग प्रतिरोधक क्षमता और इष्टतम विकास के लिए आवश्यकता होती है। खुबा सॉइल बूस्टर, एक अभूतपूर्व प्राकृतिक और जैविक संशोधन जो पौधों की देखभाल में क्रांति लाता है। यह असाधारण उत्पाद नीम के बीज के अर्क, नीम, एजादिराचता इंडिका और भारतीय बकाइन के बीज, जैविक कार्बन, ट्राइकोडर्मा, ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड और समुद्री शैवाल के अर्क जैसे जैव एजेंटों की शक्ति को जोड़ती है। खुबा सॉइल बूस्टर में नीम के बीज का अर्क एक दुर्जेय प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में कार्य करता है, जो कीटों और बीमारियों के खिलाफ दृढ़ सुरक्षा प्रदान करता है, जो आपके शहतूत के पौधों के विकास में बाधा बन सकते हैं। साथ ही कार्बनिक कार्बन मिट्टी को समृद्ध करता है, इष्टतम उर्वरता को बढ़ावा देता है, मिट्टी की संरचना में सुधार करता है और नमी प्रतिधारण को बढ़ाता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी मिट्टी स्वस्थ पौधों के विकास के लिए अपनी प्रमुख स्थिति में है। इसके अलावा
खुबा सॉयल बूस्टर में शक्तिशाली ट्राइकोडर्मा सहित लाभकारी सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति मिट्टी की माइक्रोबियल गतिविधि को सक्रिय करती है। इस बढ़ी हुई माइक्रोबियल गतिविधि से आपके शहतूत के पौधों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार होता है, जिससे उनका लचीलापन और समग्र स्वास्थ्य मजबूत होता है। खुबा सॉयल बूस्टर को अपनी कृषि पद्धतियों में शामिल करके आप एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां आपके शहतूत के पौधे उल्लेखनीय विकास और अद्वितीय जीवन शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। खुबा सॉयल बूस्टर के परिवर्तनकारी प्रभावों का अनुभव करें, क्योंकि यह आपके पौधों के पोषण के तरीके में क्रांति लाता है और आपके खेती के प्रयासों में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने में आपकी मदद करता है। इसके अलावा खुबा सॉयल बूस्टर पौधों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देकर एक निवारक भूमिका निभाता है और इस तरह फ्लेचेरी, ग्रासेरी और कुपोषण जैसे रेशम के कीड़ों में होने वाली बीमारियों से बचने में मदद करता है। आपके शहतूत के पेड़ों के लिए यह खस्ता फफूंदी, सफेद मक्खी और एफिड्स जैसी समस्याओं को रोकने में सहायता करता है। स्वस्थ पौधों को बनाए रखकर खुबा सॉयल बूस्टर एक प्राकृतिक रक्षा तंत्र के रूप में कार्य करता है, जो रोग और संक्रमण के जोखिम को कम करता है और आपकी फसलों की समग्र भलाई सुनिश्चित करता है। खुबा ग्रोथ प्रमोटर एक क्रांतिकारी पानी में घुलनशील उत्पाद है, जिसे उद्योग में अभूतपूर्व मानक स्थापित करते हुए विकास को गति देने और रेशम उत्पादन बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। समुद्री शैवाल के अर्क, ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड के एक अद्वितीय मिश्रण की संयुक्त शक्ति का उपयोग करके खुबा ग्रोथ प्रमोटर उल्लेखनीय परिणाम प्रदान करता है। इसके अमीनो एसिड प्रोफाइल को सावधानी से तैयार किया गया है, जिसमें आवश्यक और गैर आवश्यक अमीनो एसिड शामिल है, जैसे एलेलेनिन, एलार्जिनिन, एल एस्पार्टिक एसिड, एलसिस्टीन, एल ग्लूटामिक एसिड, एल ल्यूसीन, एल लाइसिन, एल सेरीन, एल थ्रेओनाइन, एल टायरोसिन, एल ट्रिप्टोफेन, एलवेलिन, एल हिस्टिडाइन, एल आइसोल्यूसिन, एल मेथियोनिन, एल फेनिलेलनिन, एल प्रोलाइन और एल ग्लाइसिन। इसके अलावा इसमें कार्बनिक पदार्थ, एल्गिनिक एसिड, मैनिटोल, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, तांबा, लोहा, मैंगनीज और मोलिब्डेनम सहित कई अन्य लाभकारी घटक शामिल है। खुबा ग्रोथ प्रमोटर को अपनी प्रथाओं में शामिल करके आप जोरदार पत्ती वृद्धि, सुपरचार्ज प्लांट ताकत और मिट्टी की उर्वरता को अनुकूलित कर सकते हैं। सावधानी से चयनित अमीनो एसिड, आवश्यक और गैर आवश्यक दोनों प्रकार के अपने व्यापक सरणी के साथ प्रोटीन संश्लेषण का समर्थन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रेशम के कीड़ों में वे रेशम उत्पादन को प्रोत्साहित करते हैं, इष्टतम वृद्धि और विकास सुनिश्चित करते हैं। खुबा ग्रोथ प्रमोटर द्वारा पौधों की वृद्धि और रेशम उत्पादन दोनों में उल्लेखनीय परिवर्तन का अनुभव करें। स्वस्थ रेशम के कीड़ों को देखें, उत्पादित रेशम की मात्रा और गुणवत्ता में पर्याप्त वृद्धि करें और अपने प्रयासों में सफलता का एक नया स्तर प्राप्त करें। खुबा ग्रोथ प्रमोटर की शक्ति को अपनाएं और अपने पौधों और रेशम उत्पादन की पूरी क्षमता को अनलॉक करें। इसके अलावा खुबा ग्रोथ प्रमोटर विभिन्न रेशम कीट रोगों जैसे कि पेब्राइन, फ्लेचरी, ग्रासेरी, कुपोषण के साथ साथ पाउडरी मिल्ड्यू इन्फेक्शन, लीफ स्पॉट, एंथ्रेक्नोज, रूट रोट, व्हाइट फ्लाइज और एफिड्स जैसे सामान्य पौधों के मुद्दों को रोकने और संबोधित करने में भी प्रभावी है। यह सक्रिय रूप से पौधों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और इन चुनौतियों से बचाव में मदद करता है, जिससे आपके पौधों की समग्र भलाई सुनिश्चित होती है। प्राकृतिक बागवानी तेल। प्राकृतिक बागवानी तेल जैविक खेती के तरीकों और फसल सुरक्षा के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण के लिए समर्पित किसानों के लिए परम सहयोगी है। यह उल्लेखनीय तेल असाधारण कीटनाशक, एंटीफंगल और शाकनाशी गुणों के साथ तेलों का एक शक्तिशाली संयोजन है, जो कीटों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करता है और फसल के स्वास्थ्य में सुधार करता है।
इसके लाभ रोग की रोकथाम से परे हैं, क्योंकि यह पेब्रिन जैसे जीवाणु रोगों, ग्रासरी जैसे कवक रोगों से निपटता है और उन कारकों को संबोधित करता है जो रेशम के कीड़ों में कुपोषण का कारण बन सकते हैं। प्राकृतिक बागवानी तेल का उपयोग करके किसान पाउडर फफूंदी सहित वेक्टर के रूप में काम करने वाले कीटों और कीड़ों का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकते हैं। यह लीफ स्पॉट जैसे फंगल संक्रमण की गंभीरता को भी काफी कम कर देता है। एंथ्रेक्नोज और जड़ सड़न के लिए जिम्मेदार रोगजनकों के विकास और प्रसार को रोकता है। इसके अलावा तेल सफेद मक्खियों के खिलाफ एक शक्तिशाली विकर्षक और नियंत्रण उपाय के रूप में कार्य करता है, सफलतापूर्वक उनकी आबादी को कम करता है और शहतूत के पेड़ों को और नुकसान से बचाता है। कीटनाशक, एंटीफंगल और शाकनाशी गुणों पर इसके प्राथमिक ध्यान के अलावा नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल अप्रत्यक्ष रूप से एफिड की रोकथाम में योगदान देता है। संपूर्ण वृक्ष स्वास्थ्य को बढ़ावा देकर और पौधे की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करके यह एफिड हमलों के खिलाफ लचीलापन बढ़ाता है। तेल के एंटीफिडेंट और विकर्षक गुण एक प्रतिकूल वातावरण बनाते हैं जो एफिड्स को पेड़ को संक्रमित करने से रोकता है। प्राकृतिक बागवानी तेल विशेष रूप से मेहनती और समर्पित किसानों के लिए डिजाइन किया गया है जो निवारक देखभाल को प्राथमिकता देते हैं और जैविक खेती के सिद्धांतों को अपनाते हैं। यह फसल सुरक्षा के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है जिससे किसान अपनी फसलों को संभावित खतरों से सक्रिय रूप से सुरक्षित कर सकते हैं। इस सक्रिय रुख को अपनाने से किसान महत्वपूर्ण फसल नुकसान से बच सकते हैं, आक्रामक रासायनिक उपचारों पर निर्भरता कम कर सकते हैं और अपने पौधों के समग्र स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बनाए रख सकते हैं। प्राकृतिक बागवानी तेल विशेष रूप से उन किसानों के लिए डिजाइन किया गया है जो जैविक खेती के तरीकों को अपनाते हैं और निवारक देखभाल के माध्यम से अपनी फसलों की रक्षा करना चाहते हैं। खुराक प्रति एकड़ आधार, खुबा सॉइल कंडीशन। एक, बुवाई के समय 2 बैग खुबा सॉइल कंडीशन लगाएं। 2, बाद में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने और पौधों के विकास में सहायता के लिए हर महीने खुबा सॉइल कंडीशन के 2 बैग लगाएं। खुबा सॉइल बूस्टर, एक, बुवाई के समय खुबा सॉइल बूस्टर का 1 बैग लगाएं। 2, बाद में मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने और पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए हर तीसरे महीने खुबा सॉइल बूस्टर का 1 बैग लगाएं। खुबा ग्रोथ प्रमोटर, एक, यह पानी में घुलनशील है और छिड़काव और भीगने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 2, छिड़काव के लिए हर 20 दिन में 250 ग्राम खुबा ग्रोथ प्रमोटर लगाएं। 3, शहतूत के पेड़ की पत्तियों को रेशम के कीड़ों को खिलाने से कम 20 दिन पहले छिड़काव बंद कर दें। 4, यदि किसान इस उत्पाद का उपयोग जारी रखना चाहता है तो वह अपनी आवश्यकता के आधार पर छिड़काव और ड्रेंचिंग के बीच वैकल्पिक रूप से कर सकता है। प्राकृतिक बागवानी तेल, यह उत्पाद उन किसानों के लिए अनुशंसित है जो निवारक देखभाल को प्राथमिकता देते हैं और खेती के लिए एक मेहनती दृष्टिकोण बनाए रखते हैं। इस उत्पाद का उपयोग करने में रुचि रखने वाले निर्माता के साथ सीधे चर्चा कर सकते हैं। खुबा मिट्टी के उत्पादों का उपयोग करने के अलावा गेंदा या मिर्च जैसी साथी फसलों को शामिल करने और अरंडी के पौधों की एक सीमा लगाने से कीट और कीट रोगों को कम करने में मदद मिल सकती है। ये साथी फसलें प्राकृतिक निवारक के रूप में कार्य करती हैं और एक स्वस्थ कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करती है। समग्र कृषि स्वास्थ्य और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए जीवामृत या गोकृपा अमृत जैसे गाय आधारित उत्पादों का उपयोग करने की भी सिफारिश की गई है। इन दिशा निर्देशों का पालन करके और इन दृष्टिकोणों को अपनाकर किसान मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं, पौधों की वृद्धि बढ़ा सकते हैं, कीट के मुद्दों को कम कर सकते हैं
और एक संतुलित और लचीली कृषि प्रणाली सुनिश्चित कर सकते हैं। कीमतें, खुबा सॉइल कंडीशनर, जैविक खाद, पाउडर फॉर्म 50 किलोग्राम बैग, कीमत ₹1,000। दानेदार रूप 50 किलोग्राम का बैग, जिसकी कीमत ₹1,200 है। खुबा सॉइल बूस्टर 5 किलो का बैग, कीमत ₹750। खुबा ग्रोथ प्रोमोटर 500 ग्राम पैक, कीमत ₹550। प्राकृतिक बागवानी तेल 1 लीटर की बोतल, कीमत ₹900। इन कीमतों में परिवहन शुल्क शामिल है। कर्नाटक में कहीं भी जो आपके निकटतम विजय आनंद रोड लाइंस शाखा या हमारे डीलर के स्टॉप बिंदु तक है। नोट, कीमतें सांकेतिक है और कभी भी बदल सकती हैं। इसलिए खरीदारों से अनुरोध है कि वे खरीदारी के समय कीमतों की पुष्टि करें। हमारे उत्पादों के घटकों और उनकी गतिविधियों की तकनीकी व्याख्या इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि कैसे प्रत्येक घटक पौधे और रेशम कीट दोनों के कल्याण में योगदान देता है। कुपोषण, अपर्याप्त पोषण के परिणाम स्वरूप रेशम के कीड़ों द्वारा रेशम का उत्पादन कम हो सकता है। रेशम के कीड़ों को ठीक से विकसित होने और उच्च गुणवत्ता वाले रेशम का उत्पादन करने के लिए शहतूत की पत्तियों से भरपूर संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। अपर्याप्त या खराब गुणवत्ता वाले भोजन के कारण वृद्धि रुक सकती है, रेशम की कम उपज हो सकती है और कमजोर कोकून हो सकते हैं। खुबा सॉइल कंडीशनर एक जैविक खनिज आधारित उर्वरक है जो जड़ों के माध्यम से पौधों को आवश्यक स्थूल और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करता है। फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और बोरोन, मैंगनीज, लोहा, तांबा और मोलिब्डेनम जैसे ट्रेस तत्वों सहित इसकी पोषक तत्वों से भरपूर संरचना मिट्टी में पोषक तत्व को बढ़ा सकती है। यह बदले में अप्रत्यक्ष रूप से रेशम के कीड़ों द्वारा उपभोग की जाने वाली शहतूत की पत्तियों की पोषण गुणवत्ता में सुधार कर सकता है, जिससे उनकी वृद्धि और विकास में सहायता मिलती है। खुबा सॉइल बूस्टर एक जैविक मृदा संशोधन उत्पाद है जिसे पौधों के विकास को बढ़ावा देने, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार और माइक्रोबियल गतिविधि को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें नीम के बीज, ऑर्गेनिक कार्बन, ट्राइकोडर्मा जैसे जैव एजेंट, ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड और समुद्री शैवाल के अर्क जैसे अवयवों का एक अनूठा मिश्रण है। हालांकि यह सीधे तौर पर कुपोषण को संबोधित नहीं करता है, इसका उद्देश्य पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाना और समग्र मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके परिणाम स्वरूप स्वस्थ शहतूत के पौधे बेहतर पोषण मूल्य के साथ रेशम के कीड़ों के लिए बेहतर खाद्य स्रोत प्रदान कर सकते हैं। खुबा ग्रोथ प्रोमोटर एक पानी में घुलनशील उत्पाद है जो पौधों की वृद्धि को बढ़ा सकता है और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। इसमें आवश्यक अमीनो एसिड सहित समुद्री शैवाल का अर्क, ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड शामिल है। हालांकि यह विशेष रूप से कुपोषण को लक्षित नहीं करता है, ग्रोथ प्रोमोटर पौधे के विकास और पोषक तत्वों के अवशोषण का समर्थन कर सकता है, जिससे संभावित रूप से शहतूत की पत्तियों की गुणवत्ता में सुधार और रेशम के कीड़ों के लिए बेहतर पोषण का सेवन होता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रेशम के कीड़ों में कुपोषण को रोकने के लिए उच्च गुणवत्ता और पोषक तत्वों से भरपूर शहतूत के पत्तों की उपलब्धता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। जबकि ये उत्पाद पौधों की वृद्धि में सहायता कर सकते हैं और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं, रेशम कीटों में कुपोषण को रोकने के लिए शहतूत के रोपण की नियमित निगरानी, उचित आहार पद्धति और स्वस्थ वातावरण बनाए रखना आवश्यक है। रेशम उत्पादन में विशेषज्ञों के साथ परामर्श और पोषण प्रबंधन के लिए उनकी सिफारिशों का पालन रेशम कीटों के स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यावरणीय कारक, कुपोषण के अतिरिक्त पर्यावरणीय परिस्थितियों का रेशम उत्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। अत्यधिक तापमान, उच्च आर्द्रता,
खराब वेंटिलेशन और पालन ट्रे में भीड़भाड़ रेशम के कीड़ों पर दबाव डाल सकते हैं और उनके स्वास्थ्य और रेशम उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। इष्टतम विकास और रेशम उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए उचित तापमान और आर्द्रता के स्तर, अच्छा वेंटिलेशन और रेशम के कीड़ों के लिए पर्याप्त जगह सहित उपयुक्त पर्यावरणीय परिस्थितियों को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। उच्च रेशम उत्पादन और स्वस्थ रेशम के कीड़ों को सुनिश्चित करने के लिए उचित रोग निवारण और प्रबंधन रणनीतियों को लागू करना आवश्यक है। इनमें बीमारी के संकेतों के लिए रेशम कीटों की नियमित निगरानी, पालन वातावरण में अच्छी स्वच्छता और स्वच्छता का अभ्यास करना, पौष्टिक और संतुलित आहार प्रदान करना और उपयुक्त पर्यावरणीय परिस्थितियों को बनाए रखना शामिल हो सकता है। इसके अतिरिक्त रेशम उत्पादन पर उनके प्रभाव को कम करने के लिए बीमारियों का पता चलने पर समय पर उपचार और नियंत्रण उपायों को लागू किया जाना चाहिए। बॉम्बिक्स मोरी असाधारण रेशम कीट रोग, उनकी निवारक देखभाल। उल्लिखित उत्पादों में खुबा सॉइल कंडीशनर, खुबा सॉइल बूस्टर, खुबा ग्रोथ प्रोमोटर और प्राकृतिक बागवानी तेल रेशम के कीड़ों को प्रभावित करने वाले रोगों को रोकने या मुकाबला करने में कुछ संभावित लाभ प्रदान कर सकते हैं। आइए इन उत्पादों की सामग्री और उनके संभावित प्रभावों का पता लगाएं। पेब्रिन रेशम के कीड़ों को प्रभावित करने वाली एक आम बीमारी पेब्रिन है, जो माइक्रोस्पोरिडियन परजीवी नोसेमा बॉम्बिसिस के कारण होती है। पेब्रिन मुख्य रूप से रेशम कीट के लार्वा को प्रभावित करता है और रेशम उत्पादन को काफी कम कर सकता है। संक्रमित लार्वा धीमी वृद्धि, कम भूख और अनियमित शरीर रंग जैसे लक्षण प्रदर्शित करता है। यदि अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो रेशम कीट पालन के वातावरण में पेब्रिन तेजी से फैल सकता है, जिससे महत्वपूर्ण आर्थिक नुकसान हो सकता है। खुबा ग्रोथ प्रोमोटर, इस उत्पाद में समुद्री शैवाल के अर्थ ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड का मिश्रण होता है। हालांकि यह स्पष्ट रूप से पेब्रिन का उल्लेख नहीं करता है, एलेनिन, एलार्जिनिन, एलसिस्टीन, एलग्लूटामिक एसिड, एललाइसिन और अन्य सहित मौजूद अमीनो एसिड प्रोटीन संश्लेषण और रेशम के कीड़ों में समग्र चयापचय प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। सुपोषित और स्वस्थ रेशम कीट रोगों के प्रति बेहतर प्रतिरोध प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा ग्रोथ प्रोमोटर में ह्यूमिक एसिड मिट्टी की उर्वरता और पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है। अप्रत्यक्ष रूप से शहतूत के पौधों के स्वास्थ्य और ताकत में योगदान देता है, जो रेशम कीट फीड के रूप में काम करता है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि पेब्रिन को रोकने या उसका मुकाबला करने में इन उत्पादों की प्रभावकारिता अलग अलग हो सकती है। पेब्रिन मुख्य रूप से एक माइक्रोस्पोरिडियन परजीवी के कारण होता है और इस परजीवी को लक्षित करने वाले विशिष्ट उपाय जैसे कि उचित स्वच्छता बनाए रखना, रेशम कीट के अंडों की जांच करना और संक्रमण के संकेतों की नियमित निगरानी करना रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त रेशम उत्पादन में विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित प्रथाओं का पालन करने की सलाह दी जाती है। स्वच्छ और स्वच्छ पालन वातावरण बनाना, रेशम के कीड़ों के स्वास्थ्य और पोषण को सुनिश्चित करना और उपयुक्त रोग प्रबंधन रणनीतियों को लागू करना रेशम उत्पादन पर पेब्राइन और अन्य बीमारियों के प्रभाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी बीमारी के लक्षणों की नियमित निगरानी और जल्दी पता लगाने से इसके प्रसार को कम करने और आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए त्वरित कार्रवाई की सुविधा मिल सकती है। फ्लैचेरी, जो स्यूडोमोनास और बेसिलस की प्रजातियों सहित रोगजनक बैक्टीरिया के कारण होता है। फ्लैचेरी आमतौर पर विकास के बाद के चरणों के दौरान रेशम कीट के लार्वा को प्रभावित करता है और सुस्ती, भूख न लगना, शिथिलता और द्रव से भरी आंतों जैसे लक्षण पैदा कर सकता है। फ्लैचेरी के कारण रेशम के कीड़ों के कमजोर स्वास्थ्य के परिणाम स्वरूप लार्वा की मृत्यु हो सकती है और रेशम उत्पादन में कमी आ सकती है। खुबा सॉइल कंडीशनर एक जैविक खनिज आधारित उर्वरक है
जिसका उद्देश्य मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना और आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करना है। हालांकि इसमें फ्लैचेरी को लक्षित करने वाले विशिष्ट तत्व शामिल नहीं है। इसकी संरचना मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और ट्रेस तत्वों से भरपूर है, जो समग्र पौधे के स्वास्थ्य में योगदान कर सकते हैं। मजबूत और स्वस्थ शहतूत के पौधों को बढ़ावा देकर मृदा कंडीशन अप्रत्यक्ष रूप से रेशम के कीड़ों की भलाई का समर्थन करता है और रोगों के खिलाफ उनकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। खुबा सॉयल बूस्टर एक प्राकृतिक और जैविक मृदा संशोधन उत्पाद है, जिसमें नीम, अजादिराजता इंडिका के बीज, जैविक कार्बन, जैव एजेंट ट्राइकोडर्मा, ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड और समुद्री शैवाल के अर्क जैसे अवयवों का मिश्रण होता है। हालांकि यह स्पष्ट रूप से फ्लेचेरी का उल्लेख नहीं करता है, इस उत्पाद का उद्देश्य मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना, माइक्रोबियल गतिविधि को बढ़ाना और पर्यावरणीय तनाव के प्रति पौधों की सहनशीलता को बढ़ाना है। बेहतर मिट्टी के स्वास्थ्य और बढ़ी हुई माइक्रोबियल गतिविधि शहतूत के पौधों के लिए अनुकूल वातावरण बना सकती है, संभावित रूप से जीवाणु रोगों के खिलाफ उनके प्रतिरोध को बढ़ा सकती है। खुबा ग्रोथ प्रोमोटर एक पानी में घुलनशील उत्पाद है, जिसे पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एलेनिन, एलार्जिनिन, एल-ग्लूटामिक एसिड और अन्य सहित समुद्री शैवाल का अर्क, ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड शामिल है। जबकि ग्रोथ प्रोमोटर फ्लेचरी को विशेष रूप से लक्षित नहीं करता है, सूत्र में अमीनो एसिड और अन्य लाभकारी घटक शहतूत के पौधों के समग्र स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का समर्थन कर सकते हैं। स्वस्थ पौधे आमतौर पर रोगों के प्रति बेहतर प्रतिरोधक क्षमता प्रदर्शित करते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि फ्लेचरी मुख्य रूप से रोगजनक जीवाणुओं के कारण होता है और इन जीवाणुओं को लक्षित करने वाले विशिष्ट उपाय जैसे रेशम कीट पालन में उचित स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाओं को बनाए रखना रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है। रेशम उत्पादन पर फ्लेचरी और अन्य जीवाणु रोगों के प्रभाव को कम करने के लिए संक्रमण के संकेतों के लिए नियमित निगरानी, उपयुक्त पालन तकनीकों को नियोजित करना और रेशम उत्पादन में विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित प्रथाओं का पालन करना आवश्यक है। घास का मैदान, इसे चिकना रोग के रूप में भी जाना जाता है, जो ब्यूवेरिया बेसियाना कवक के कारण होता है। ग्रासरी रेशम कीट के लार्वा को प्रभावित करता है और शरीर के चिकना दिखने, धीमी वृद्धि और रेशम उत्पादन में कमी के रूप में प्रकट होता है। संक्रमित लार्वा भी काले मलिनकिरण का प्रदर्शन कर सकते हैं और अंतः रोग के शिकार हो सकते हैं। रेशम कीट पालन वातावरण में ग्रासरी का तेजी से प्रसार रेशम उत्पादन को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकता है। खुबा सॉइल कंडीशनर एक जैविक खनिज आधारित उर्वरक है, जिसे जड़ों के माध्यम से पौधों को आवश्यक स्थूल और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि इसमें ग्रासरी को लक्षित करने वाले विशिष्ट तत्व शामिल नहीं है, पोषक तत्वों से भरपूर इसकी संरचना, ह्यूमिक एसिड, कार्बनिक कार्बन और ट्रेस तत्व समग्र पौधे के स्वास्थ्य में योगदान कर सकते हैं। मजबूत और स्वस्थ शहतूत के पौधों को बढ़ावा देकर मृदा कंडीशन अप्रत्यक्ष रूप से रेशम के कीड़ों की भलाई का समर्थन करता है और ग्रासेरी जैसी बीमारियों के खिलाफ उनकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। खुबा सॉयल बूस्टर एक प्राकृतिक और जैविक मृदा सुधार उत्पाद है, जिसमें सामग्री का एक अनूठा मिश्रण शामिल है, जिसमें नीम, अजादिराजता इंडिका के बीज, जैविक कार्बन, ट्राइकोडर्मा जैसे जैव एजेंट, ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड और समुद्री शैवाल के अर्क शामिल है। हालांकि यह स्पष्ट रूप से ग्रासेरी का उल्लेख नहीं करता है, इस उत्पाद का उद्देश्य मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना, माइक्रोबियल गतिविधि में वृद्धि करना और पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति पौधों की सहनशीलता को बढ़ाना है।
मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार और माइक्रोबियल गतिविधि में वृद्धि शहतूत के पौधों के लिए अनुकूल वातावरण बना सकती है, संभावित रूप से फंगल रोगों के खिलाफ उनके प्रतिरोध को बढ़ा सकती है। खुबा ग्रोथ प्रोमोटर एक पानी में घुलनशील उत्पाद है जिसे पौधों की वृद्धि और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें विभिन्न आवश्यक अमीनो एसिड सहित समुद्री शैवाल के अर्क, ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड का मिश्रण होता है। हालांकि ग्रोथ प्रोमोटर विशेष रूप से ग्रासेरी को लक्षित नहीं करता है, सूत्र में अमीनो एसिड और अन्य लाभकारी घटक शहतूत के पौधों के समग्र स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का समर्थन कर सकते हैं। स्वस्थ पौधे आमतौर पर कवक रोगों के लिए बेहतर प्रतिरोध प्रदर्शित करते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ग्रासेरी मुख्य रूप से ब्यूवेरिया बेसियाना कवक के कारण होता है। इस कवक को लक्षित करने वाले विशिष्ट उपाय जैसे रेशम कीट पालन में उचित स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाओं को बनाए रखना रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है। संक्रमण के संकेतों के लिए नियमित निगरानी, उपयुक्त पालन तकनीकों को नियोजित करना और रेशम उत्पादन में विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित प्रथाओं का पालन करना रेशम उत्पादन पर ग्रासेरी और अन्य कवक रोगों के प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक है। शहतूत के पेड़ वे विभिन्न रोगों और कीट कीटों से प्रभावित हो सकते हैं, जबकि उल्लेखित उत्पाद जैसे खुबा सॉइल कंडीशनर, खुबा सॉइल बूस्टर, खुबा ग्रोथ प्रोमोटर और नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल में विभिन्न लाभकारी तत्व होते हैं। हालांकि इन उत्पादों में कुछ घटक पौधों के स्वास्थ्य में योगदान कर सकते हैं और संभावित रूप से रोकने या कम करने में मदद करता है और भिन्न हो सकता है। एंथ्रेक्नोज और इसी तरह के फंगल रोगों से लड़ने, रोकने या प्रबंधित करने में संभावित रूप से मदद कर सकते हैं। यहाँ सामग्री और उनके संभावित प्रभावों का टूटना है। क्स्ता फफूंदी का संक्रमण, माइक्रोस्पेरा अल्फाइटाइड्स, खुबा सॉइल कंडीशनर, यह जैविक खनिज आधारित उर्वरक आवश्यक स्थूल और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करता है जिसमें फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर शामिल है। ये पोषक तत्व समग्र पौधे के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करते हैं और पौधे की प्राकृतिक रक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं, जिससे यह क्स्ता फफूंदी जैसी बीमारियों के लिए अधिक प्रतिरोधी बन जाता है। खुबा सॉयल बूस्टर इस मृदा संशोधन उत्पाद में जैविक कार्बन, ट्राइकोडर्मा जैसे जैव एजेंट और समुद्री शैवाल के अर्क मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं और माइक्रोबियल गतिविधि को बढ़ा सकते हैं। एक स्वस्थ मिट्टी माइक्रोबायोम पौधों की पोषक तत्वों को प्रभावी ढंग से अवशोषित करने की क्षमता में योगदान देता है और बीमारियों के खिलाफ अपनी लचीलापन बढ़ाता है, संभावित रूप से पाउडर फफूंदी सहित। खुबा ग्रोथ प्रोमोटर इस पानी में घुलनशील उत्पाद में समुद्री शैवाल का अर्क, ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड होते हैं। अमीनो एसिड अन्य लाभकारी घटकों के साथ पौधे के विकास में सहायता कर सकते हैं और पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार कर सकते हैं। मजबूत पौधे के विकास को बढ़ावा देकर विकास प्रमोटर क्स्ता फफूंदी के खिलाफ पौधे की प्राकृतिक रक्षा तंत्र को मजबूत करने में मदद कर सकता है। लीफ स्पॉट सर्कोस्पोरा एसपीपी के कारण होने वाला पत्ती का धब्बा भिन्न हो सकते हैं। हालांकि इन उत्पादों में कुछ घटक पौधे के स्वास्थ्य में योगदान कर सकते हैं और संभावित रूप से लीफ स्पॉट और इसी तरह के फंगल रोगों से लड़ने, रोकने या प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं। यहाँ सामग्री और उनके संभावित प्रभावों का टूटना है। खुबा सॉइल कंडीशनर, यह जैविक खनिज आधारित उर्वरक फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और ट्रेस तत्वों सहित आवश्यक मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करता है। पोषक तत्वों की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करके यह समग्र पौधे के स्वास्थ्य और ताकत में सुधार करने में मदद करता है।
मजबूत स्वस्थ पौधे आमतौर पर लीफ स्पॉट जैसी बीमारियों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। खुबा सॉयल बूस्टर इस मृदा संशोधन उत्पाद में कार्बनिक कार्बन जैव एजेंटों जैसे ट्राइकोडर्मा ह्यूमिक एसिड अमीनो एसिड और समुद्री शैवाल के अर्क का मिश्रण माइक्रोबियल गतिविधि और पोषक तत्वों को बढ़ा सकता है। मिट्टी के स्वास्थ्य और पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार करके यह अप्रत्यक्ष रूप से पौधे की पत्तियों की जगह जैसी बीमारियों का प्रतिरोध करने की क्षमता में योगदान देता है। खुबा ग्रोथ प्रोमोटर इस पानी में घुलनशील उत्पाद में समुद्री शैवाल का अर्क ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड होते हैं जो पौधों के विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं और पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार कर सकते हैं। स्वस्थ पौधे के विकास को बढ़ावा देकर विकास प्रवर्तक पौधे की प्राकृतिक रक्षा तंत्र को बढ़ाता है, संभावित रूप से इसे लीफ स्पॉट के खिलाफ अधिक लचीला बनाता है। शहतूत के पेड़ों पर लीफ स्पॉट और अन्य फंगल रोगों के प्रभावी नियंत्रण और प्रबंधन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी जाती है, जिसमें उचित स्वच्छता, नियमित निगरानी, शुरुआती पहचान और यदि आवश्यक हो लक्षित कवकनाशी अनुप्रयोगों जैसे अभ्यास शामिल हो। कोलेटोट्रिचम एसपीपी के कारण एंथ्रेक्नोज। खुबा सॉइल कंडीशनर इस जैविक खनिज आधारित उर्वरक में फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और ट्रेस तत्वों सहित आवश्यक मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। संतुलित पोषण प्रदान करके और संपूर्ण पौध स्वास्थ्य को बढ़ावा देकर यह पौधे की प्राकृतिक रक्षा तंत्र को बढ़ा सकता है, संभावित रूप से एंथ्रेक्नोज की गंभीरता को रोकने या कम करने में मदद करता है। खुबा सॉइल बूस्टर जैविक कार्बन का अनूठा मिश्रण जैव एजेंट जैसे ट्राइकोडर्मा ह्यूमिक एसिड अमीनो एसिड और समुद्री शैवाल के अर्क इस मृदा संशोधन उत्पाद में मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं और माइक्रोबियल गतिविधि को बढ़ा सकते हैं। लाभकारी सूक्ष्मजीवों के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर यह एंथ्रेक्नोज जैसे रोगों के प्रति पौधे की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है। खुबा ग्रोथ प्रोमोटर इस पानी में घुलनशील उत्पाद में समुद्री शैवाल का अर्क ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड होते हैं जो पौधों के विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं और पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार कर सकते हैं। पौधे की शक्ति को बढ़ाकर और पौधे की रक्षा तंत्र को मजबूत करके यह एंथ्रेक्नोज की संवेदनशीलता को कम करने में मदद कर सकता है। शहतूत के पेड़ों पर एंथ्रेक्नोज और अन्य कवक रोगों के प्रभावी नियंत्रण और प्रबंधन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी जाती है, जिसमें उचित स्वच्छता, नियमित निगरानी, जल्दी पहचान और यदि आवश्यक हो लक्षित कवकनाशी अनुप्रयोगों की सिफारिश की जाती है। जड़ सड़ना खुबा सॉइल कंडीशनर यह जैविक खनिज आधारित उर्वरक फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और ट्रेस तत्वों सहित आवश्यक मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करता है। जड़ के स्वस्थ विकास और संपूर्ण पौधे की ताकत को बढ़ावा देकर यह पौधे की जड़ सड़न का प्रतिरोध करने और उससे उबरने की क्षमता को बढ़ा सकता है। खुबा सॉयल बूस्टर इस मृदा संशोधन उत्पाद में जैविक कार्बन नीम अजादिराज का इंडिका बीज ट्राइकोडर्मा ह्यूमिक एसिड अमीनो एसिड और समुद्री शैवाल के अर्क जैसे जैव एजेंटों का अनूठा मिश्रण मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है और माइक्रोबियल गतिविधि को बढ़ा सकता है। ये लाभकारी सूक्ष्मजीव जड़ सड़न रोगजनकों को दबाने में मदद कर सकते हैं और स्वस्थ जड़ विकास का समर्थन करते हुए एक संतुलित मिट्टी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दे सकते हैं। खुबा ग्रोथ प्रोमोटर इस पानी में घुलनशील उत्पाद में समुद्री शैवाल का अर्क ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड होते हैं जो पौधों के विकास को प्रोत्साहित करते हैं और पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार करते हैं। पौधे के समग्र स्वास्थ्य और लचीलेपन को बढ़ाकर यह जड़ सड़न की रोकथाम और पुनर्प्राप्ति में योगदान कर सकता है।
रूट रोड को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए उचित निवारक उपाय और सांस्कृतिक प्रथाएं महत्वपूर्ण हैं। रूट सड़ांद को रोकने और मुकाबला करने में सहायता के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त उपाय दिए गए हैं। उचित जल निकासी सुनिश्चित करें। शहतूत के पेड़ अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी पसंद करते हैं। अत्यधिक पानी देने या रूट जोन के आसपास पानी जमा होने से बचें, क्योंकि अतिरिक्त नमी जड़ सड़न रोगजनकों के लिए अनुकूल स्थिति पैदा कर सकती है। अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करें। फंगल रोगजनकों के प्रसार को रोकने के लिए किसी भी संक्रमित पौधे सामग्री को तुरंत हटा दें और नष्ट कर दें। स्वस्थ पेड़ों में रोगजनकों के प्रवेश के जोखिम को कम करने के लिए स्वच्छ औजारों और उपकरणों को बनाए रखें। मृदा स्वास्थ्य में वृद्धि, इसकी संरचना और जल निकासी में सुधार के लिए मिट्टी में जैविक पदार्थ जैसे खाद या अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद को शामिल करें। यह जड़ों के लिए एक स्वस्थ वातावरण बना सकता है और जड़ सड़न के विकास को हतोत्साहित कर सकता है। फसल चक्र अपनाएं। साल दर साल एक ही स्थान पर शहतूत के पेड़ लगाने से बचें। सड़ने वाली फसलें रोग चक्र को तोड़ने में मदद कर सकती हैं और मिट्टी में जड़ सड़न रोगजनकों के निर्माण को कम कर सकती हैं। जल्दी निगरानी और निदान करें। अपने शहतूत के पेड़ों का नियमित रूप से निरीक्षण करें कि क्या मुरझाने, पत्तियों के पीले होने या जड़ों के सड़ने के कोई संकेत हैं। यदि जड़ सड़न के लक्षण दिखाई देते हैं तो विशिष्ट कवकनाशी या अन्य उपचार जो आपके क्षेत्र के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, पर उचित निदान और मार्गदर्शन के लिए स्थानीय कृषि विस्तार सेवा या पादप रोग विज्ञानी से परामर्श करें। याद रखें, जड़ सड़न को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए रोकथाम और शुरुआती पहचान महत्वपूर्ण है। एक व्यापक दृष्टिकोण को शामिल करना, जिसमें उचित सांस्कृतिक प्रथाओं को शामिल करना, पौधों के स्वास्थ्य को बनाए रखना और उपयुक्त उत्पादों का उपयोग करना, शहतूत के पेड़ों पर जड़ सड़न के जोखिम और प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है। सफेद मक्खियाँ, बेमिसिया तबासी, खुबा सॉइल कंडीशनर। यह जैविक खनिज आधारित उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और ट्रेस तत्वों सहित आवश्यक मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करता है। यह पौधों की स्वस्थ वृद्धि और ताकत को बढ़ावा देता है, जो पौधे की सफेद मक्खी के संक्रमण से लड़ने और उससे उबरने की क्षमता को बढ़ा सकता है। खुबा सॉइल बूस्टर, नीम, अजादिराचता इंडिका के बीज, जैविक कार्बन, ट्राइकोडर्मा, ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड जैसे जैव एजेंटों और समुद्री शैवाल के अर्क का अनूठा मिश्रण इस मृदा संशोधन उत्पाद में मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है, माइक्रोबियल गतिविधि को बढ़ा सकता है और बढ़ा सकता है पर्यावरणीय तनावों के लिए पौधों की सहनशीलता। ये कारक सामूहिक रूप से पौधे के समग्र स्वास्थ्य और लचीलेपन का समर्थन करते हैं, संभावित रूप से सफेद मक्खियों के प्रति इसके आकर्षण को कम करते हैं। खुबा ग्रोथ प्रोमोटर, इस पानी में घुलनशील उत्पाद में समुद्री शैवाल का अर्क, ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड होते हैं, जो पौधों की वृद्धि और पोषक तत्वों को बढ़ा सकते हैं। पौधे की जीवन शक्ति में सुधार करके यह सफेद मक्खी के संक्रमण को झेलने और किसी भी क्षति से उबरने में अधिक सक्षम हो सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सफेद मक्खियां लगातार बनी रह सकती हैं और प्रभावी नियंत्रण के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता हो सकती है। सफेद मक्खी के संक्रमण को रोकने और प्रबंधित करने में सहायता के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त उपाय दिए गए हैं। निगरानी, सफेद मक्खियों की उपस्थिति के लिए नियमित रूप से अपने शहतूत के पेड़ों का निरीक्षण करें। पत्तियों पर वयस्क सफेद मक्खी, अप्सरा या उनके विशिष्ट मधुरस और काली फफूंद के लक्षण देखें। भौतिक निष्कासन, यदि आप कम संख्या में सफेद मक्खियों को देखते हैं तो आप उन्हें संक्रमित शाखाओं को धीरे से हिलाकर या उन्हें हटाने के लिए पानी की एक तेज धारा का उपयोग करके शारीरिक रूप से हटा सकते हैं। लाभकारी कीट,
सफेद मक्खी के प्राकृतिक शिकारियों और परजीवियों जैसे कि भिंडी, लेसविंग, परजीवी ततैया या परभक्षी घुनों की उपस्थिति को उपयुक्त आवास प्रदान करके या उन्हें बगीचे में पेश करके प्रोत्साहित करें। ये लाभकारी कीट सफेद मक्खी की आबादी को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। प्राकृतिक बागवानी तेल सफेद मक्खियों के खिलाफ एक प्रभावी जैविक कीटनाशक हो सकता है। निर्माता के निर्देशों के अनुसार और पूरी तरह से कवरेज सुनिश्चित करते हुए इसे संक्रमित पर्णसमूह पर स्प्रे करें। चिपचिपा जाल शहतूत के पेड़ों के पास पीले चिपचिपे जाल लगाए जा सकते हैं ताकि वयस्क सफेद मक्खियों को आकर्षित किया जा सके और उनकी आबादी को कम करने में मदद मिल सके। कल्चरल प्रैक्टिस किसी भी संक्रमित पौधे सामग्री को हटाकर और नष्ट करके बगीचे की अच्छी स्वच्छता बनाए रखें। वायु परिसंचरण में सुधार करने और सफेद मक्खियों के छिपने के स्थानों को कम करने के लिए नियमित रूप से शहतूत के पेड़ों की निराई और छंटाई करें। याद रखें, सफेद मक्खियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए निवारक उपायों और सक्रिय निगरानी का संयोजन आवश्यक है। जबकि उल्लिखित उत्पाद पौधे के स्वास्थ्य में योगदान कर सकते हैं और संभावित रूप से सफेद मक्खियों को रोकने में मदद कर सकते हैं, विशिष्ट सफेद मक्खी नियंत्रण उपायों के लिए आपके क्षेत्र में सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण के लिए लक्षित कीटनाशकों या स्थानीय कृषि विस्तार सेवा या पेशेवर एंटोमोलॉजिस्ट की सलाह की आवश्यकता हो सकती है। एफिड्स छोटे कीड़े होते हैं जो पेड़ों के रस को खाते हैं। एफिड संक्रमण को रोकने और उससे बचने के लिए पौधे की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करें और समग्र पौधे के स्वास्थ्य और उच्च चीनी उत्पादन 12 से ऊपर ब्रिक स्तर द्वारा मापा गया को बढ़ावा देने के लिए कई कारकों पर विचार किया जा सकता है। खुबा सॉइल कंडीशनिंग इस जैविक खनिज आधारित उर्वरक में फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और ट्रेस तत्वों सहित आवश्यक मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। जब शहतूत के पेड़ जड़ों के माध्यम से इष्टतम पोषण प्राप्त करते हैं तो उनके समग्र स्वास्थ्य और ताकत में सुधार होता है, जिससे वे एफिड्स जैसे कीटों के प्रति अधिक लचीले हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त कंडीशन द्वारा प्रदान किए गए पोषक तत्वों की निरंतर रिलीज निरंतर पौधे के विकास, उच्च चीनी उत्पादन को बनाए रखने और एफिड्स के लिए पौधे को कम आकर्षक बनाने में सहायता कर सकती है। खुबा मृदा बूस्टर नीम के बीज, जैविक कार्बन, ट्राइकोडर्मा, ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड और समुद्री शैवाल के अर्क जैसे जैव एजेंटों सहित इस कार्बनिक मिट्टी संशोधन उत्पाद में सामग्री का अनूठा मिश्रण पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देता है, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करता है और बढ़ता है माइक्रोबियल गतिविधि। जब मिट्टी लाभकारी सूक्ष्म जीवों और कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध होती है तो यह शहतूत के पेड़ के लिए एक स्वस्थ बढ़ते वातावरण का निर्माण करती है। यह बदले में पेड़ की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, इसे एफिड हमलों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाता है और पौधे के समग्र स्वास्थ्य और चीनी उत्पादन में सुधार करता है। खुबा ग्रोथ प्रमोटर इस पानी में घुलनशील उत्पाद में आवश्यक अमीनो एसिड की एक विस्तृत श्रृंखला सहित समुद्री शैवाल का अर्क, ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड शामिल है। अमीनो एसिड पौधों के विकास, तनाव सहिष्णुता और समग्र स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आवश्यक अमीनो एसिड और अन्य लाभकारी घटक प्रदान करके विकास प्रवर्तक एफिड संक्रमण के लिए पौधे के प्रतिरोध को बढ़ा सकता है और उच्च शर्करा स्तर के उत्पादन का समर्थन कर सकता है। संक्षेप में, पौधों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करना और इष्टतम बढ़ती परिस्थितियों को सुनिश्चित करना शहतूत के पेड़ों पर एफिड संक्रमण को रोकने और उससे बचने के प्रमुख कारक है। जबकि उल्लिखित उत्पाद इन पहलुओं में योगदान कर सकते हैं, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एफिड नियंत्रण के लिए अतिरिक्त उपायों की आवश्यकता हो सकती है, जैसे लाभकारी कीड़ों को पेश करना
यदि आवश्यक हो तो लक्षित कीटनाशकों का उपयोग करना और अच्छी उद्यान स्वच्छता बनाए रखना। एफिड उपस्थिति और समय पर हस्तक्षेप के लिए शहतूत के पेड़ों की नियमित निगरानी महत्वपूर्ण क्षति को रोकने और पौधों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है। शहतूत रेशम कीट बॉम्बिक्स मोरी। जबकि शहतूत रेशम कीट की खेती मुख्य रूप से रेशम उत्पादन के लिए की जाती है, यदि आबादी बहुत अधिक हो जाती है तो उनकी भोजन गतिविधि शहतूत के पेड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है और नुकसान पहुंचा सकती है। पत्तियों की नियमित कटाई और छंटाई रेशम कीट आबादी को प्रबंधित करने और क्षति को कम करने में मदद कर सकती है। नियमित छंटाई रोगग्रस्त पौधों की सामग्री को हटाने और वृक्षों के स्वास्थ्य के रखरखाव सहित उचित सांस्कृतिक प्रथाओं से शहतूत के पेड़ों में रोगों और कीटों को रोकने और प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। गंभीर मामलों में रासायनिक नियंत्रण उपायों की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन उचित और सुरक्षित कीट प्रबंधन रणनीतियों के लिए स्थानीय कृषि विस्तार सेवाओं या पेशेवरों से परामर्श करने की सलाह दी जाती है। शहतूत के पौधे की खेती और रेशम उत्पादन की दुनिया में क्रांति लाने वाले खुबा उत्पादों की परिवर्तनकारी शक्ति को देखने के लिए तैयार रहें। त्वरित जड़ वृद्धि, शानदार पत्ते और रेशम के कीड़ों को पनपने का अनुभव करें, जिसके परिणाम स्वरूप रेशम की एक अद्वितीय मात्रा और असाधारण गुणवत्ता होती है। उत्तम रेशम कोकून का आनंद लें, जो बाजार में प्रीमियम कीमतों का आदेश देता है। एक उच्च गुणवत्ता वाले रेशम निर्माता के रूप में आपकी प्रतिष्ठा को मजबूत करता है। फिर भी खुबा उत्पाद के फायदे आपके खेत से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। इन क्रांतिकारी समाधानों को अपनाने से आप एक स्थायी कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान करते हैं। हानिकारक सिंथेटिक कीटनाशकों को अलविदा कहें और कीट और रोग नियंत्रण के लिए एक प्राकृतिक दृष्टिकोण अपनाएं। मिट्टी के माइक्रोबायोम का पोषण करें, लाभकारी जीवों के विकास को बढ़ावा दें और अपने खेत की जैव विविधता को संरक्षित करें। खुबा सॉयल कंडीशनर, खुबा सॉयल बूस्टर, खुबा ग्रोथ प्रमोटर और नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल की अपार शक्ति का उपयोग करने वाले दूरदर्शी किसानों की श्रेणी में शामिल हों। उच्च पैदावार का अनुभव करें, लाभप्रदता में वृद्धि करें और सेरिकल्चर की दुनिया पर एक अमिट प्रभाव छोड़ें। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी विरासत छोड़ते हुए अपनी कड़ी मेहनत का प्रतिफल प्राप्त करें। शहतूत के पौधे की खेती और रेशम उत्पादन में क्रांतिकारी खुबा उत्पाद के साथ क्रांति को गले लगाओ।